यार समंदर के अंदर ना ये छोटा मोटा फेरी नहीं है, बहुत बड़ा फेरी है। बहुत जल्दी मिलेंगे फ्रॉम दैट साइड। ओ भाई सैनिटाइजर के नाम पर यहाँ पे पता है क्या करवा रहे हैं लोगों को, बोल रहे हैं आप पानी से हाथ धो। गाइस वेलकम बैक अगेन टू आवर मोर फर्स्ट वीडियो। पिछला वीडियो में हमने देखा था कि हम गए थे जाम्बियानी पहुंच के हमने वहाँ पे की थी कैंपिंग, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कूजा गेम लेके जाऊंगा, लेकिन भाई हमारी जो फेरी थी ना वो 12:30 बजे की है, अभी 11:30 बज रहा है। तो अगर हम कूजा गेम के चक्कर में सुबह रहते ना तो फिर हमारी फेरी जो है वो मिस हो जाती, इसीलिए सुबह जैसे नींद टूटी टेंट वगैरह समेट के हम वापस से स्टोन टाउन आ गए। अभी मैं भैया के घर पर हूँ, तो अभी हम लंच कर रहे हैं। देखो लंच में क्या है, लंच में टिपिकल इंडियन खाना है, रोटी है, सब्जी है, और ये क्या है, ये भी सब्जी है, जो मरागे थे ना, मरागी राजमा, अच्छा ये राजमे की सब्जी है, और ये आम का जूस है। तो भाई ये आज मेरा आखिरी दिन है, इस साल का आखिरी दिन है भैया के घर पे, लेकिन आखिरी नहीं है ये, मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, आप कनेक्शन इमोशन सब कुछ फील कर सकते हो वीडियो के थ्रू। तो फिर ज़्यादा भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद तो 1 घंटे में मेरी फेरी है यहाँ से, तो ज़्यादा बातें करूँगा ना तो फिर फेरी छूट जाएगी। तो भैया ऑल द बेस्ट फॉर योर म्यूजिक, फॉर योर मूवीज एंड फॉर योर ड्रीम प्रोजेक्ट। जब इनका प्रोजेक्ट कम्प्लीट होगा ना तो मैं स्पेशली आने वाला हूँ मिलने के लिए फिर से, और मैं भैया का जो गाने का ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, प्यार बरसाओ जा करके। क्या बरसा भैया, प्यार प्यार। गाइस 11:54 हो गए, आधा घंटा समय हमारे पास, आधा घंटा के अंदर हमें फेरी के पास भी पहुंचना है, पासपोर्ट भी दिखाना है, टिकट भी दिखाना है, बोर्डिंग भी कराना है, सिक्योरिटी चेक भी कराना है, और इमिग्रेशन का फॉर्म भी भरना है। तो जो जो प्रोसीजर एयरपोर्ट पर होता है ना भाई, वो सारा प्रोसीजर यहाँ पे होने वाला है, और ये चीज़ की जानकारी मुझे नहीं थी। हम लेट हो गए हैं, बस हमारी फेरी जो है ना वो छूट ना जाए। सब कुछ रख लिए ना, वॉलेट वगैरह रख लिए, मोबाइल वगैरह सब कुछ रख लिया हमें। तो भैया मुझे जा रहा है वहाँ तक छोड़ने के लिए, और वहाँ जाने के बाद मैं आपको सारा प्रोसीजर दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल ना कैमरा अंदर रखते हैं और जल्दी जल्दी अपने तेज कदमों से फेरी की ओर बढ़ते हैं। तो भाई पहुंच गए हम जांजीबार पोर्ट कॉरपोरेशन फेरी टर्मिनल, और यहां से मुझे जाना होगा अंदर। क्या है मास्क, मिनी मास्क। तो यहां से मुझे जाना होगा अंदर, और भैया मिलते बहुत जल्दी। ट्रिप कर लिया, बहुत जल्दी मिलेंगे, और फेरी अगर छुट्टा फिर कॉल करते हैं। ओके बाय, मिलते बहुत जल्दी, ठीक है, ख्याल रखना, और कोई भी दिक्कत हो बोल। बाय बाय, अभी अंदर चलते भाई, भैया को मैं फिर फ़ोन करूँगा वहाँ पहुँचने के बाद। दरअसल हम पहुँचने में कॉल करता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है, आराम से बैठ जाए, ठीक है, बाय भैया। वेयर शुड आई गो, अराइवल ओके ओके प्रशांते। तो भाई यहाँ पे पूरा एयरपोर्ट वाला प्रोसीजर है, बोर्डिंग पास चेक होगा, और जो ये जो टिकट मिला ना भाई ये बोर्डिंग पास के रूप में ही है। अभी मुझे जाना होगा अराइवल वाले काउंटर पे, शायद फॉर्म वगैरह भी फिल करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ क्या करना है मुझे। From that side? Yeah. Have to fill a form? Yes. Okay, Prashante. भाई बहुत लंबा प्रोसीजर है, यहाँ सामने डिपार्चर वाले बिल्डिंग पे जाना होगा, और यहाँ जा करके ना ये बोर्डिंग पास में एग्ज़िट स्टैम्प लेना है कि मैं जांजीबार छोड़ के जा रहा हूँ। ये जांजीबार और तांजानिया में ना ये लफड़ा है कि ये लोग, इनका झंडा भी अलग अलग है भाई, नेशनल एंथम अलग अलग है, लेकिन कंट्री ये लोग एक ही है। तो अभी पहले स्टैम्प वगैरह ले लेते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। मामो
पसंद है। हाँ नहीं भाई, फॉर्म वगैरह फिल नहीं करनी पड़ेगी, बस मेरे बोर्डिंग पास पे ना एक यहाँ पे एग्जिट का फॉर्म, एग्जिट का स्टैम्प उन्होंने मार दिया है। अब चलते हैं हमारे लाउंज में जहाँ पे वेटिंग लाउंज है, वहाँ बैठ करके ना वेट करना पड़ेगा। 12:30 बजे की फेरी है, ऑलमोस्ट 12:06 हो गया है, अभी सिक्योरिटी चेक भी कराना है। समंदर के अंदर ना ये छोटा मोटा फेरी नहीं है, बहुत बड़ा फेरी है और अराउंड 50-60 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस हम कवर करेंगे जांजीबार से तंजानिया के लिए, और बहुत बड़ा फेरी है, बहुत बड़ा। हम्बो मुझे लगता है ना जो $35 मैंने दिया है ना वो यहाँ पे वसूल हो रहा है। ये जो इनका वेटिंग हॉल है, एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल से कम नहीं है, इनफैक्ट एयरपोर्ट पे भी ऐसा वेटिंग हॉल नहीं है। तो यहाँ पे बड़े 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 सोफ़ा लगे हुए हैं और इनमें से एक सोफ़ा ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। 12:08 हो गया है, सब कुछ हो गया, मैं आपको अपना बोर्डिंग पास दिखा देता हूँ, उसके ऊपर लगा हुआ स्टैम्प मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये है हमारा बोर्डिंग पास और इसके अंदर स्टैम्प लग गया है। जांजीबार सी पोर्ट से मैं बाहर निकल रहा हूँ, कोई फॉर्म वगैरह यहाँ पे फिल नहीं कराया, बस पासपोर्ट देखा, मेरा चेहरा देखा, बोर्डिंग पास से स्टैम्प मारा और फिर सिक्योरिटी क्लियर हो गया एंड आई एम इनसाइड द वेटिंग हॉल। अब यहाँ से चेक इन होगा हमारा फेरी के ऊपर, तो फिर मैं जाकर के आपको दिखाता हूँ क्या प्रोसीजर होने वाला है यहाँ से आगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, जाके फॉलो जरूर कर लेना। भाई बोर्डिंग शुरू हो गई हमारी, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, 12:11 पे हमारी बोर्डिंग जो है वो शुरू हो गई। Do I need to go to the immigration? Immigration? Dar es Salaam? Yeah, Dar es Salaam. Yeah, one way. Yeah. Okay, no immigration there. Immigration over there. After we got around, go on the border. After the immigration? Yeah, first immigration. I have an exit stamp. Okay, okay. यार पीछे इमिग्रेशन का काउंटर है, मुझे लग रहा है कि यही लोग वापस मुझे ना भेज दे कि आप जाओ इमिग्रेशन करा के आओ। वैसे एग्जिट स्टैम्प तो लग गया मेरे बोर्डिंग पास के ऊपर, अब देख लेते हैं भाई। हाँ भाई जाने दे दिया इन्होंने, फॉर्म वगैरह नहीं भरना पड़ रहा है। यहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर था तो मुझे लगा ना कि फॉर्म वगैरह भराएंगे तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। तो यहाँ से नज़ारे मैं आपको दिखा दूँ, ये है यहाँ से नज़ारे, बहुत बहुत बड़े 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 कंटेनर रखे हुए, ये हमारा इंडियन ओशियन है और बहुत सारे फेरीज वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये है जांजीबार सिटी, जांजीबार का बहुत ही फेमस स्टोन टाउन, तो इसको अलविदा कहने का ना समय आ गया है और यहाँ से हमारी नैया शुरू होती है दार एस सलाम के लिए, द बिगेस्ट फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ जांजीबार। तो इट इज़ नॉट द कैपिटल, इट इज़ अ फाइनेंशियल कैपिटल, कैपिटल तो डोडोमा है यहाँ तंजानिया का। तो इकोनॉमिक क्लास और वीआईपी क्लास, तो भाई हमारा टिकट तो इकोनॉमिक क्लास का है, तो इकोनॉमिक क्लास की ओर हम जा रहे हैं, देखते हैं, दिखाता हूँ आपको कि इकोनॉमिक क्लास है कैसा। एक्सक्यूज मी, तो भाई ये है इकोनॉमिक क्लास। ओह ये तो पूरा पूरा हिल रहा है भाई, पूरा हिल रहा है, और यहाँ पे बैग वगैरह रखने की जगह बनाए गए हैं और काफ़ी नीट एंड क्लीन है भाई, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी अच्छे अच्छे सीट्स यहाँ पे दिए गए बैठने के लिए। तो इससे पहले कि ना सीट फुल हो, मैं एक बढ़िया सा सीट देख लेता हूँ, बढ़िया सा सीट। भाई ये हिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मुझे सी सिकनेस ना हो जाए, अगर ऐसा होगा ना तो फिर मैं बाहर चला जाऊँगा भाई। हाँ दिस इज इकोनॉमिक क्लास, इकोनॉमिक क्लास, ओके ओके शांति। Do not enter for the reception.
nilikata kuwa tisa nane dakika ishirini hali ya bahari kwa siku ya leo itakuwa mawimbi madogo mpaka makubwa kiasi. Utakapokuwa katika safari hii, mabaharia wetu watakichwa salamu wako na kukupa huduma bora ili ujisikie kwa nyumbani. Tafadhali kwa kutulivu na ufurahia safari yako nasi. Asante kwa kusafiri na Kilimanjaro na on the afternoon, dear passenger aboard, my name is Harry. On behalf of Captain Nassau, Chief Engineer Abdul Qadir, and Chief on board, we'd like to welcome Kilimanjaro 480 to Dar es Salaam. Our day is 14:20 hours. With the state of the sea today, you expect a small boy. Whatever the travel takes, so be sure to crew in and show yourself and deliver the best service to make you feel at home. Please sit back, relax, and enjoy your journey with Kilimanjaro Pacific. Thank you. तो भाई ये तो पूरा फ्लाइट वाला एक्सपीरियंस है, जैसे फ़्लाइट में फ़्लाइट बोर्ड करते हो आप और फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले आपको कैप्टन आते हैं और बताते हैं कि क्या क्या कितने बजे तक पहुंचेंगे। सेम ऐसा हो रहा है, सेम फ़्लाइट के जैसा बोर्डिंग पास भी मिला, सेम फ़्लाइट के जैसा एग्जिट टाइम भी मिला। और अभी ये था ज़ंजीबार का पोर्ट, यहाँ से हमारी फेरी जो है स्टार्ट हो गई है। भाई समंदर के अंदर मेरा ये पहला एक्सपीरियंस होने वाला है इतने बड़े वाले जहाज़ के ऊपर। इससे पहले मैं गोवा में गया था लेकिन वो फिशरमैन के बोट के साथ नहीं गया था, छोटी छोटी बोट थी, लेकिन ये काफ़ी बड़ी वाली सिप है। और मुझे अभी से ही बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि यार समुद्र की आदत नहीं है, और जो ये जहाज़ है ना ये लहरों के साथ ऊपर नीचे जाएगा तो अभी से अजीब लग रहा है। तो देवर भैया ने बताया था अगर ऐसा फील हो तो बाहर चला जाना, तो बाहर जाने का भी वहाँ पर ऑप्शन है। तो थोड़ी देर में कोशिश करता हूँ, अगर मैं सेटल हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं बाहर चला जाऊँगा और बाहर से आपको फिर नज़ारे दिखाएंगे। तो भाई जैसे ही हमारी फेरी स्टार्ट हुई ना तो किसी ने आके बोला ऑफिशियल कि आप बाहर जा सकते हो, तो हम बाहर जा रहे हैं। और ये अंदर का नज़ारा है, फेरी के अंदर का नज़ारा भाई बहुत लाजवाब तगड़ा वाला एक्सपीरियंस होने वाला है। मांबो भाई साहब, यहाँ पे तो काफ़ी जोरों की हवा चल रही है, काफ़ी जोरों की हवा। और यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया सा लोकेशन है बैठने का, काफ़ी तगड़ा सा लोकेशन है। तो हमारी फेरी जो है ना भाई काफ़ी स्पीड में चल रही है यार, मेरी काफ़ी स्पीड चल रही है, काफ़ी स्पीड आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन मुझे मालूम चल रहा था कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड चल रही है। ये इस डायरेक्शन में जा रही है और फेरी का एक छोटा सा टूर देके आता हूँ। बाहर का पार्ट तो आपने देख लिया, ये है इकोनॉमी सेक्शन, यहाँ पे 144 के आसपास पैसेंजर्स बैठते हैं, लेकिन अगर आप इकोनॉमी का टिकट लिए हो तो आप बिजनेस क्लास में भी जाकर के बैठ सकते हो, जिसका फेयर शायद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे द बिजनेस क्लास ज़्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर यही है ना कि यहाँ पर लोग जो है वो कम है। और बाकी यहाँ से बाहर निकल के आप यहाँ पे कैंटीन वगैरह भी कुछ खाना पीना तो आप खा सकते हो। फिर यहाँ से बाहर चलते हैं, यहाँ से बाहर ऐसा रास्ता है कुछ, और इन गलियारों से हो करके वी कैन कम हियर। ओ भाई बाथरूम, तो अगर आपको बाथरूम जाना है तो आप बाथरूम भी जा सकते हो। और फिर
बाहर चलते हैं। ऊपर मैं आपको मैं ऊपर लेके जाता हूँ। मैं बाथरूम में आके व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाहर काफी शोर है, पानी काफी स्पीड से निकल रहा है और हवाएं काफी जोरों का चल रहा है जिसके कारण से नमक वाला पानी पूरा शरीर में आ रहा है, पूरा शरीर चट-चट कर रहा है। इकोनॉमिक क्लास में भी एसी है, बिजनेस क्लास में भी एसी है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप फॉरेनर हो तो आपको इकोनॉमिक क्लास का ही टिकट लेना पड़ेगा जिसका कॉस्ट $35, मतलब कि 85,000 सीलिंग। ये मेरा लाइफ का ना कॉस्टलीस्ट फेरी राइड होने वाला है। 85,000 सीलिंग के आसपास का मैंने पे किया है इसके टिकट के लिए। अभी आपको छत पे मैं लेके चलता हूँ। बोलते हैं इसको, मतलब यहाँ पे एसी वगैरह नहीं है और यहाँ पे जो तांजानिया के लोकल लोग हैं वो लोग आके बैठते हैं और यहाँ से भी नज़ारे काफ़ी लाजवाब है। तो हम लोग पहुंच गए, तो यार हम लोग पहुंच गए, तो यार हम लोग पहुंच गए दारेसलाम। दारेसलाम अफ्रीका का मेन लैंड है। अभी तक हम अफ्रीका के आइलैंड पे थे लेकिन अभी हम फाइनली जा कर के जो बहुत विशाल सा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका उसके मेन लैंड पे हम पहुंच गए। यहाँ पे बहुत अजीब हो रहा है भाई, मतलब जांजीवार में तो कोरोना है नहीं ऐसा लग रहा है, सभी लोग विदाउट मास्क घूम रहे हैं। दारेसलाम में भी यही है, अभी तक मैंने किसी को मास्क पहने नहीं देखा लेकिन सभी के हाथ में यहाँ पे टेम्परेचर गन है और सैनिटाइजर के नाम पर यहाँ पे पता है क्या करवा रहे हैं लोगों को, बोल रहे हैं आप पानी से हाथ धो फिर आप आगे बढ़ोगे। तो भाई पानी से हाथ धुलवा रहे हैं यहाँ पे यार, मतलब सैनिटाइजर से नहीं पानी से हाथ धुलवा रहे। तो ये एग्जिट है, हम बाहर निकल गए और अभी क्या है ना कि यहाँ पे मेरे यहाँ पे भी हमारे पास एक होस्ट है। ना ना तो यार अभी क्या है ना, दारेसलाम तो मैं आ गया, मेन लैंड अफ्रीका पे आ गया। यहाँ से अब अफ्रीका का जो मेन लैंड है ना उसको एक्सप्लोर करने का टाइम शुरू होता है। तो अभी दारेसलाम बहुत ही बड़ा शहर है भाई, पूरे तांजानिया के अंदर सबसे बड़ा शहर दारेसलाम ही है। हमारे जैसे इंडिया में मुंबई होता है ना फाइनेंशियल कैपिटल, वैसे ये है दारेसलाम यहाँ का फाइनेंशियल कैपिटल। और दारेसलाम में भी मेरे पास दो तीन होस्ट है तो शायद दारेसलाम में मैं बहुत काउचसर्फिंग यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बाहर निकल जाता हूँ। बाहर निकलने के बाद जो मेरे होस्ट है फोगस्ता मसूल्ला, उनको मैंने कॉल कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने बोला था कि जब आप उधर जाओगे तो मुझे कॉल करना, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। तो अभी मैं बाहर निकल के ना उनको एक बार कॉल करता हूँ और फिर उसके बाद आपको मैं बाहर निकल के फिर अपडेट देता हूँ मैं आपको।